हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम लोगों को पूरा क्लियर समझ में आ गया माता नंदा किशोरी माता जी, हमारे जन्म हुआ है जेलखाना में, तो प्रभुपाद की कृपा से हम लोग को भगवत धाम का थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन मिला श्रीमद भागवतम के माध्यम से। तो अभी हमारा कर्तव्य क्या है, इस जेलखाना में रहने का या बाहर की दुनिया में भगवत धाम जाने का? भगवत धाम जाने का है ना। तो चीज को हम लोग पूरा क्लियर समझ रहे ना, भागवतम क्या चीज है और हम लोग को क्या मिल रहा है ना। जो व्यक्ति भागवतम को धन नहीं करते, जो व्यक्ति भागवतम की क्लास में नहीं आते, वो कितना बड़ा अभागा है, हम लोग समझ पा रहे इसके माध्यम से। तो जो भी है नहीं होता, नेट से तुम काम करो। हरे कृष्णा कृष्णा। चलो हम लोग नेक्स्ट श्लोक, हरे कृष्णा। देवदत्तम इमावीनाम सरब्रह्मा विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमानश्च राममहम्। विभा माता जी अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। तो हरे कृष्णा। और इस तरह मैं भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए और इस वीणा को झंकृत करते हुए विचरण करता रहता हूँ, जो दिव्य ध्वनि से पूरी है और जिसे भगवान कृष्ण ने मुझे दिया था। हरे कृष्ण। तात्पर्य जय प्रभुपाद। लिंग पुराण में नारद को भगवान कृष्ण द्वारा प्रदत्त तार युक्त वाद्य यंत्र वीणा का वर्णन दिया गया है और इसकी पुष्टि श्रील जीव गोस्वामी द्वारा की गई है। यह दिव्य वाद्य भगवान श्री कृष्ण तथा नारद जी से अभिन्न है, क्योंकि ये सभी एक ही दिव्य कोटि के हैं। इस वाद्य द्वारा झंकृत ध्वनि कभी भौतिक नहीं हो सकती, अतः नारद के इस वाद्य द्वारा प्रसारित महिमा तथा लीलाएं भी दिव्य है, उनमें भौतिकता का जरा भी उन्माद नहीं है। सप्त स्वर सड़ज री आगे नहीं दिख रहा प्रभु जी। ऋषभ गा गंधार मा मध्यम प पश्चम ध धैवत तथा नी निषाद भी दिव्य है और विशेष रूप से दिव्य गीतों के लिए है। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में श्री नारद देव भगवान द्वारा प्रदत्त इस वीणा के ऋण से सदैव उऋण होते हैं, क्योंकि वे निरंतर उनके दिव्य यश का गायन करते रहते हैं और इस प्रकार अपने उच्च पद पर अच्युत है। भौतिक जगत के स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को श्री नारद मुनि के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए सप्त स्वर अर्थात स री गा मा आदि का व्यवहार भगवान की सेवा में उनकी महिमा के निरंतर गायन द्वारा करना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहाँ पे देखे कि नारद मुनि बता रहे कि ये जो हो गया प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। इतना डिस्टर्ब कर रहे ना इंटरनेट,
पैसा देने के बावजूद भी ऐसा डिस्टर्ब करता है, इनको जाके पुलिस को देके इसको डंडा मारना है इंटरनेट वालों को। मतलब साउंड नहीं आ रहा है, बिल्कुल कट आ रहा है। ये इंटरनेट वालों को जाके डंडा मारना है, साला पैसा देके भी डिस्टर्ब करते, भागवत कथा में डिस्टर्ब बाधा विघ्न फैलाते। इसको हिरण्यकशिपु का वंश कहा जाएगा, रावण का वंश, जो भक्ति में बाधा डालते हैं, चाहे इंटरनेट के रूप में हो किसी भी रूप में हो। उनको पता होना चाहिए कि जगन्नाथ प्रभु इस समय इंटरनेट में क्लास देता है। अभी थोड़ा इंटरनेट को अच्छी तरह रखे, लेकिन गाधा कुछ समझता नहीं, सिर्फ बाधाएं डालते हैं, है ना नंद किशोर माता जी। इन लोग के पुलिस कार्रवाई करना चाहिए जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। लिंग पुराण में क्या चीज कहा गया है? दंडवत प्रणाम राधा रंजन प्रभु। आवाज आसछे ना? आपका आवाज तो आ रहा प्रभु जी? नहीं, वो एक नया जॉइंट किए हैं हमारे राधा रंजन प्रभु। हरे कृष्ण कर रहे। तो विभावंता जी, हम लोग क्या समझे कि ये जो नारद मुनि का जो बीना है ना, ये नारद मुनि का बीना भगवान कृष्ण से अभिन्न है। जैसे हम लोग ये जो भागवतम को पाठ कर रहे हैं, ये भागवतम साक्षात कृष्ण है, उसी प्रकार नारद मुनि का जो बीना है वो भी साक्षात कृष्ण है। नारद मुनि बाजाए बीना राधिका रमन, क्या भूल गया गाना? राधिका रमन ले। हाँ, तो नारद मुनि ये बीना बजाते हैं राधिका रमन, मतलब कृष्ण और राधा रानी का गान करने के लिए। उसी प्रकार हम लोग जो भागवतम पाठ कर रहे किस लिए? कृष्ण की महिमा को कीर्तन करने के लिए। नंद किशोरी माता जी, आपके वहां पर और कौन बैठे हुए हैं? आपकी नातनी या पोतनी? प्रभु जी नातनी है। उनको भी सामने लाइए। नातनी है, उनको भी सामने लाइए। आप सामने हाँ, आप भी सुनो, दूर दूर रहते। क्या नाम है माता जी उनका? इसका कान लगा, इसका आर्या नाम है। आर्या नाम है, आर्या। चलिए, बहुत सुंदर नाम है आर्या। आर्या मतलब जानते हैं क्या? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आर्या का मतलब जानते हैं क्या होता है? नहीं, वो तो सुनते हैं, समाज से है, समाज शास्त्र ये सब से होता है। आर्या समाज ऐसे तो सही से नहीं पता है। आर्या का अर्थ होता है जो धर्म को पालन करते हैं, जो धर्म की अनुसार अपने जीवन को चलाते, उसको कहा जाता है आर्या या आर्य।
ठीक है, आर्य समाज सुन रहे हैं क्या पुरुष जी? ठीक है, आर्य मतलब क्या है? जो धर्म के मतलब टीचर ने कुछ बोले थे। हाँ, आपका टीचर थोड़ा नहीं जानते। टीचर को बोलना है कि हमारे मायापुर से प्रभु जी आपको बोले कि आर्य का मतलब क्या होता है। ये वीडियो दिखा देना उनको, ये यूट्यूब में जाएगा ना, है ना, यूट्यूब में जाएगा, बोले कि देखिए सर आपको हमारे इस्कॉन का प्रभु जी ऐसे बोले है, है ना। आर्य का मतलब आर्य समाज नहीं होता, आर्य का अर्थ होता धर्म को पालन करने वाला। ठीक है, आर्य समाज तो बाद में बना ना, आर्य समाज तो बाद में बना, पहले आर्य शब्द तो संस्कृत का है। आर्य शब्द वेदों से लिया गया है, फिर वेदों में आर्य शब्द का अर्थ होता है जो धर्म के सिद्धांतों पर चलते हैं, और जो धर्म के सिद्धांतों से बाहर जाते उसको कहा जाता है अनार्य, पापी और पुण्यवान। ठीक है, तो पुण्यवान बालकों को कहा जाता है या धार्मिक रीति को जो अपने जीवन में लागू करते उसको कहा जाता है आर्य। आर्य समाज बाद में बना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी नानी का नाम है नंदकिशोरी, तो नंदकिशोरी किसको कहा जाता है? जसोदा माता राधा रानी को, नंद की बेटी को बोला जाएगा। नंदकिशोरी माता जी नाम पहले आया, मतलब भागवतम में पहले आया या बोकारो में आपकी जो, या बिहार की जो आपकी नानी उनका नाम पहले आया? भागवतम में पहले आया, भागवत में पहले आया। उसी प्रकार आर्य समाज बाद में आया, आर्य पहले आया। ठीक है, क्लियर जी प्रभु। तो जो भी है, हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन रंगे, तो बोल रहे नारद मुनि कि मैं इस तरह में भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए, इस बिना को झंकृत करते हुए विचरण करता रहता हूं जो दिव्य ध्वनि से पूरी थे और जिसे भगवान कृष्ण ने मुझे दिया था। भगवान कृष्ण ने मुझे दिया था। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी ये जितना कुछ घटना घटते हैं, भक्ति से संबंधित जो भी हो, वो किसी न किसी का वरदान है। नंदकिशोरी माता जी को बोले, ये नंदकिशोरी माता जी आपके घर में जो लड्डू गोपाल किसने दिया? अब बोले प्रभु जी ये तो मुझे विभा माता जी ने मायापुर में खरीद के दिया था। बोलेंगे ना? हाँ। उसी प्रकार हमारे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, अगर मैं विभा माता जी से पूछूं माता जी आपको भक्ति किसने दी, तो बोलेंगे प्रभु जी मेरा पिताजी, पिताजी दिए ना। ऐसे तो राकेश भैया के थ्रू स्कूल में आए, लेकिन बचपन से तो पिताजी के थ्रू मिला। हाँ, तो बचपन का बात इंपॉर्टेंट है, कृष्ण भक्ति जिससे आपको मिला वही सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे प्राण मोहन प्रभु जी को किसने भक्ति प्रदान की सबसे पहले? विवाह माता जी। हाँ, तो देखिए, तो उसी प्रकार किसी न किसी व्यक्ति विशेष से हम लोग को ये चीज मिलता है। अपने आप स्वचलित, मतलब क्या बोलते हैं, आसमान से फट कर नहीं आता, जैसे आसमान से बादल, मतलब जैसे वृष्टि होते हैं ना, हुल, अरे हुल को क्या बोलते है, बर्फ, आइस, आइस जो गिरते हैं ऊपर से, तो वैसे भक्ति वैसे नहीं गिरता है। कोई भक्त आपको उपहार स्वरूप देते, चलो आप भी आज से लड्डू गोपाल की सेवा करो। उसी प्रकार नारद मुनि का जो बिना है ना, वो भगवान कृष्ण ने दिया था, याद रहेगा। तीन चार एग्जांपल इसीलिए दिए ताकि इसको याद रखने के लिए, नारद मुनि का बिना भगवान श्री कृष्ण ने दिया। वो विभा माता जी के बहाना आए हैं क्या, जो पीछे आई थी आके चली गई, वो आपकी बहाना है? ओ जी जी, कौन सी बहन? रीना वो बहन है। नहीं नहीं, आप लोग सात बहन है ना? सेवन जी। आपका पिताजी इधर आओ,
वो देखिए आपकी क्या है, बुआ बोल रहे हैं मैंने, क्या मासी, मासी आपकी छोटी बहन की बेटी। बहन की बेटी, ये लोग भक्ति नहीं करता? नहीं करती है प्रभु जी। अच्छा, पूरा जब से आई है तो ठाकुर जी का सेवा हमको अभी तो आज तक नहाना नहीं था, वही करती है। अच्छा, बहुत सुंदर। तो हमारे पास अभी 6 मिनट टाइम है, अभी क्या करेंगे, श्लोक पाठ करेंगे या और थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर नहीं होने से क्लास पूरा नहीं होता। आवाज क्लियर नहीं आ रहा प्रभु जी, इसलिए यहीं पर विराम दीजिए, क्वेश्चन आंसर लेकर के आवाज क्लियर नहीं आता है। नहीं नहीं, मैं बोलना चाह रहा था, मेरे हमारे पास अभी 6 मिनट समय है, और एक श्लोक का पाठ करेंगे या क्वेश्चन आंसर करेंगे? क्वेश्चन आंसर कीजिए प्रभु जी, क्योंकि श्लोक का पाठ करने से क्लियर नहीं होता, आवाज कट कट के आता। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन लेंगे वो हमारे नंद किशोरी माता जी का, क्या समस्या है, इतना देर क्यों ज्वाइन किए, या और भी विभिन्न क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते, माता जी बताइए, तीनों का क्वेश्चन लेंगे थोड़ा थोड़ा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ट्रेन में थे हम तो ज्वाइन नहीं कर पाए, और यहाँ आए तो प्रसाद खाने के बाद से देखे कि 4 बज गया है, तो मोबाइल खोले तो ज्वाइन हुए, तो देखे कि प्रभु जी अपना भगवत क्लास चला रहे हैं, तो सुनने बैठे। तो एनी क्वेश्चन? और यहाँ भी थोड़ा समस्या प्रभु जी, यहाँ भी थोड़ा थोड़ा समस्या रहेगा कि नेटवर्क यहाँ भी थोड़ा सा कम में मिलेगा। यहाँ नेटवर्क सही मिला, जियो का टावर देखो कहाँ चला गया। ठीक है, आपकी जो नातनी है उनको लाइए, बोले कि उनका कुछ क्वेश्चन है क्या, क्योंकि लोग चाहते हैं साधु पुरुष से मिलेंगे तो क्वेश्चन करेंगे, उनको तो कोई मिला नहीं था। प्रभु जी बोल रहे हैं कि तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो लाइए, बोलो, आओ आओ बोलो, आओ 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 आओ, बात करो प्रभु जी से, बात करो। आर्या जी, प्रभु जी मैं बोल रहा था कि आपका कोई क्वेश्चन है क्या, कुछ एनी क्वेश्चन अबाउट एनीथिंग, बाहर से रिलेटेड, भक्ति से? नहीं प्रभु जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो क्या है, वैसा कभी कुछ रहेगा तो जरूर पूछ लेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, कुछ नहीं है अभी। अभी तो नानी के साथ रहना ही है, नानी के साथ 1 महीना रहना है, कुछ होगा प्रभु जी जरूर पूछेंगे आपसे। प्रभु जी लालू गोपाल का सेवा करती है तो आपका क्या ऐसा भाव है कि मैं कृष्ण, सुनो मैं आपके लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपके मन में ये इच्छा है कि अगर मेरा शादी कृष्ण से होता तो, ऐसा कुछ क्वेश्चन है क्या कि मैं किसी ऐसे बॉयफ्रेंड किसी से शादी नहीं करूंगा, मैं कृष्ण से शादी करूंगा, ऐसा कुछ भाव है क्या? नहीं कृष्णा, नहीं प्रभु जी, मतलब कृष्णा जी ऐसे थे ना कि उनके जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में, संसार में उनके ऐसा कोई नहीं, उनके उनका अलग ही था, उनके जैसा कोई मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। उनके साथ शादी करना है ये सो नो, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। प्रभु जी जरूर, प्रभु जी सब ऊपर मन से बोल रहे, जरूर अंदर से किसी का दूसरे के लिए स्थान रखे, नहीं प्रभु जी ऐसा, कृष्ण को छोड़कर। आर्या धर्म ऐसा सोचे नहीं प्रभु जी, आपका नाम धर्म के सिद्धांत पे लागू होता है, मीराबाई की तरह कृष्ण से प्यार करो तब सब कुछ ठीक होगा। हाँ जी प्रभु जी, कृष्ण से प्रेम करेंगे तो कभी धोखा नहीं खाएंगे, प्रभुपाद बोलते हैं कान्हा पे बहुत विश्वास है। हाँ कृष्ण पे हमको बहुत विश्वास है। हाँ क्योंकि अगर आप माँ बाप बनाएंगे जगत में वो बुरा बुरी हो जाएंगे,
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करेंगे वो लोग भी एक दिन बूढ़ा बूढ़ी हो जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन कृष्णा एक ऐसा व्यक्तित्व है, उनसे दोस्ती भी किया जा सकता है, उनको माता पिता भी माना जा सकता है, उनको गुरु भी माना जाता है, सब कुछ। इसीलिए हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उनके साथ दोस्ती करना, उनके साथ मित्रता करना, उनके साथ संबंध स्थापित करना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है जी प्रभु जी। हाँ हाँ नंदा किशोरी माता जी आपकी अपनी नातनी है, आपकी बेटी की बेटी जी प्रभु जी। ओ अच्छा, पटना में यही बेटी के बेटी है, दो बेटी हैं, एक एक छोटी है और एक ये। अच्छा ठीक है, तो आर्या आपके नानी को मायापुर धाम में रखेंगे, आप सबको छोड़कर सन्यासिनी बनेंगे, आप लोग का क्या राय? प्रभु जी नानी के बिना कैसे रहेंगे, नानी से बहुत लगाव है प्रभु जी। नानी कुछ पैसा वगैरह देते हैं चॉकलेट खाने के लिए, चना क्या बोल रहे हैं प्रभु जी? जब आप स्कूल जाते हैं तो चॉकलेट खाने के लिए, चना चूर खाने के लिए 10 रुपया 20 रुपया कुछ पैसा देते हैं नानी जी? प्रभु जी जब रहते थे, जब पास में रहते हैं तो मांगते हैं, जरूर देती है, कभी मना नहीं करती है, इसीलिए लगाव है। बचपन से लगाव है प्रभु जी। नहीं तो बोलेंगे अरे हम तो यंग है, मैं इतनी इतने उम्र की नानी के साथ क्या दोस्ती करूं, लेकिन थोड़ा पैसा मिलता है तो चलो दोस्ती कर लेते हैं प्रभु जी। ऐसा ही है ना, माँ से बढ़ के नानी है प्रभु जी मेरे लिए। बहुत ठीक है, तब अपनी नानी की पूरी बात को मानना है, जब जो जो कुछ बोलेंगे जी प्रभु जी, फल की सेवा करने के लिए बोलेंगे, गीता पढ़ने के लिए बोलेंगे, तो सब कुछ मानना है, तब माना जाएगा कि तुम अपनी नानी को प्यार करती हो। ठीक है जी प्रभु जी। प्रभु जी एक ये है छोटी, क्या नाम है? एक ये है, बोलो बोलो। अन्या अन्या, बोलो जोर से अन्या। हाँ जी जी, आप बोल दीजिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, इन सबको भक्त बनाने का दायित्व है नंद किशोरी माता जी आपका। प्रभु जी हम तो भी वही सोचते हैं कि ये सबको भक्त बने, ये सब मेरे देखा देखी भी भक्त लोग बने, वहां पे लेकिन वही है कि मेरे साथ ही सब रहेगी। जप करना है, सबसे जो भी बात करेंगे हरे कृष्ण बोलना है, तभी उनसे अभी बचपन से उदय होगा, ताकि उन लोग के जहन बोलते हैं प्रभु जी तो बोलती है। हाँ ये चीज बैठ जाए कि हमारी नानी जो है ना हरे कृष्ण बोलती थी, ताकि ये याद हो। ठीक है, जितनी बच्ची हो सबसे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये आर्या थोड़ा राइस लेके आओ, यार ये थोड़ा झाड़ू लेके आओ, यहाँ पे गंदा है, तो हरे कृष्ण यूज करना है। ठीक है बोलो जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, प्रभु जी। ठीक है हरे कृष्ण, आपका कुछ प्रश्न है क्या? बोलो हरे कृष्णा। कुछ प्रश्न है कि मैं वा ABCD पढ़ नहीं पा रहा हूँ प्रभु, याद नहीं रख। पढ़ो, बोलो 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 कि प्रभु जी मेरा रोग का इचारण नहीं कर पाते हैं। बोलो, मैं रोग का इचारण नहीं कर पाती हूँ। रोग का उच्चारण नहीं कर पाते प्रभु जी, थोड़ा सा इसका टोटल बोली है, रॉ के उच्चारण ही नहीं कर पाती है, बोलती है कि नानी मेरा जीव मेरा टंग के थोड़ा सा कटवा दो कि मैं बोलने लगूंगी, ऐसे बोलती है। अच्छा वो तो अच्छा है, उसमें तो और सुंदर है, सुंदर लगता है सुनने में, तुतला तुतला है ना। बोलो ना, बोलो प्रभु जी रॉ के उच्चारण नहीं करते है, बोलो पूछे प्रभु जी कैसे रॉ का उच्चारण करे, कैसे मैं उच्चारण करूं प्रभु जी? आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नानी से सीख लेना हा? जब नानी जब जप करेंगे ना सुबह सुबह माला में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो आप भी उनके साथ नकल करना पीछे पीछे, ठीक है, तब ठीक हो जाएगा। ओके बोलो जी। और जब नानी बोलेंगे ना,
जब धीरे धीरे बोलेंगे तो रानी को मारना, बोले कि जोर से बोलिए, जोर से बोलो, ठीक है जी। बोलते हैं प्रभु जी, बोलती है कि नानी में मेरा रो के उच्चारण कैसे होगा, तो बोलते हैं कि हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे, बोलेगी तो तुम्हारा रो के उच्चारण होगा, खूब बढ़िया उच्चारण हो जाएगा, बोलते हैं हम इसको। उसके लिए चिंता मत करो, रो का उच्चारण हो या ना हो, कृष्ण का बहुत सारा नाम है, सिर्फ राम नाम थोड़ी है, राम के बदले लाम बोलेंगे, कितना कृष्ण का कितना नाम है, गोविंद है, मधुसूदन है, गोपाल है, गिरिधारी है ना, बलराम है, श्याम सुंदर है, बन बिहारी है, कितना नाम है, तो एक राम नाम उच्चारण नहीं होगा तो क्या टेंशन है, ठीक है, भगवान के बहुत सारे नाम है, एक रो के लिए चिंता मत करो, ठीक है जी। जोर से बोल, बाय बाय, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण बोल दो, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण बोलो बोलो, हरे कृष्ण। प्राण मोहन प्रभु जी, आपका कुछ प्रश्न है हमारे दो श्लोक के ऊपर, क्लास जो हुआ हमारा, स्वर्ग जो बता रहे थे प्रभु जी, सात स्वर्ग हैं, कौन कौन स्वर्ग है, सात स्वर्ग, सात स्वर्ग है, पहले है भू से शुरू होता है, मतलब पृथ्वी लोक से शुरू होता है, भू भूव स्वर्ग मह जन तप और ब्रह्म, मतलब सत्यलोक, सात है, भू मतलब पृथ्वी, भूव मतलब भूत प्रेतों का वास करने वाला, स्वर्ग मतलब इंद्र आदि देवताओं गण जो रहते हैं, भू भूव स्वर्ग मह, उसके मह जन तप सत्य, सात स्वर्ग है, ठीक है, इसको लिखना है तो बाद में भेज देंगे, अभी लिखेंगे बाद में भेज देंगे, ठीक ठीक ठीक, व्हाट्सएप में भेज देंगे आपको, हाँ ठीक। क्या माता जी, नंदकिशोरी माता, ग्रुप में भेज दीजिएगा, हाँ ठीक है, ग्रुप में भेज देंगे, सात स्वर्ग और सात पाताल पूरा ग्रुप में भेज देंगे। हमारे विभा माता जी, आपका कुछ कमेंट, फीडबैक, क्वेश्चन, जिज्ञासा, प्रश्न, इंक्वायरी, हरे कृष्ण, जैसे सनत कुमार जो है, तो सनत कुमार, तो उनके बारे में हम लोग ऐसा सुनते हैं कि वो निरंतर भगवत कथा सुनते रहते हैं, भगवत की एक एक कहते हैं तो तीन बैठ के सुनते हैं, फिर पुनः एक कहते हैं, फिर पुनः तीनों सुनते हैं, माने कभी भी वो ऐसा नहीं कि भगवान की चर्चा नहीं सुनते हैं, उनकी लीला कथा का श्रवण नहीं करते हैं। तो जैसे कि नारद जी, नारद मुनि का जो स्वतंत्रता है, कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, वैकुंठ से लेके किसी भी लोक में पुनः वो प्रकट हो सकते हैं, तो ये नारद मुनि को जो ये मिली स्वतंत्रता कहीं भी प्रकट होने की, तो ये भक्ति मार्ग अपनाने के चलते मिली है, ऐसा यही है ना। तो सनत कुमार जी जो कथा श्रवण करते हैं, तो वो भी तो कथा श्रवण भी तो भक्ति मार्ग ही है ना। देखिए विषय वस्तु ये है ना, उन लोगों का जस्ट एक एग्जांपल दिया है, कि ऐसे ही किसी फुटपाथ के लोगों का तो भगवान एग्जांपल नहीं देंगे ना। ये जो कर्मकांडीय सेक्शन, ज्ञान कांडीय सेक्शन और भक्ति कांडीय, कि कर्मकांडीय में आपका मरीचि जैसे आते हैं, ज्ञान कांड में सनक सनातन आते हैं और भक्ति कांड में नारद मुनि आते हैं। तो मान लीजिए कि भक्ति कांड में नारद मुनि का उल्लेख दिया और कर्म कांड में किसी फिल्म स्टार का नाम दिया, या ज्ञान कांड में किसी क्रिकेटर का नाम दिया, तो भागवतम क्या सजेगा? नहीं। तो उन लोगों को जस्ट एक एग्जाम्पल के रूप में वहां पर रखा गया है। और दूसरी बात यह है, भक्तगण जहां भी हरि नाम करता है ना, वही पर भगवत धाम है। इसलिए वो लोग चिंता नहीं करते कि हाय रे, हम लोग सनक सनातन सनातन सनत कुमार सब समय भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नारद मुनि की तरह हम लोग इधर उधर जा नहीं पा रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
लोगों को ऐसे रोल मिला है जैसे कभी किसी को फिल्म शूटिंग के लिए डायरेक्टर चूज करता है, तुम 2 मिनट के लिए रोल करना, रोल करना, तुम पूरे मूवी के लिए हीरो बनना, तुम गुंडा बनना, साइड हीरो बनना और मर जाना मुकेश खन्ना की तरह, ठीक है, फिर तुम हीरो का बाप बनना और उसके बाद हीरो का बाप बनना तो अदालत में जाना, तो ये सब रोल पहले प्लान किया जाता है, ऐसे ऐसे करना इसको। तो उसी प्रकार ये जितने सारे महान महान भक्तगण जो भागवत में जिस चीज का उल्लेख है ना, वो सब भगवान के द्वारा, जोगमाया के द्वारा बनाया गया, जोगमाया के द्वारा जो डायरेक्शन किया गया है उसी के अनुसार सभी शूटिंग करता है। तो इसमें दुख का तो प्रश्न ही नहीं। मान लीजिए अभी एक सुंदर सा मूवी बन रहा है और आपको बोले विभा माता जी आप जसोदा माता का रोल कीजिए, लेकिन ये कृष्ण लीला नहीं चल रहा है, बाकी बामन लीला चल रहे, तो उसमें से 2 मिनट का एक उल्लेख आएगा कि पुतना के लिए कि बलि महाराज की पत्नी या बेटी, मतलब अगले जीवन में जो पुतना बनेगी, तो उस सीन को दर्शाने के लिए 2 मिनट, जैसे मूवी में कभी कभी ऐसा होता है ना, जो पहले जो कुछ उनका पिताजी को मार दिया था गुंडा लोग, इसीलिए अभी उनके खानदान को हीरो मार रहे हैं, तो 2 मिनट के लिए उसको दिखाया जाए। तो उसी प्रकार मान लीजिए आपको 2 मिनट का रोल दिया गया, तो आप अगर बोले नहीं मैं तो रोल करूंगा पूरा, एकदम 3 घंटा का मूवी का पूरा रोल करूंगा, मेरा सीन नहीं कटना चाहिए, तो हीरो बोलेगा रहो आप, डायरेक्टर बोलेगा आप अपने जगह में रहो, मैं दूसरा किसी जसोदा माता को कलेक्ट कर रहा हूं, है ना। तो मान लीजिए आपके लिए 2 मिनट का रोल है, किसी के लिए 1 घंटा का रोल है, किसी के लिए 3 घंटा का रोल है। तो उसी प्रकार ये सनत कुमार का कहीं पर एक रोल है, मरीचि का कहीं पर रोल है, नारद मुनि का पूरा ही रोल है भक्ति का। तो इस तरह भगवान जी जिसको जहां पे सिलेक्ट करता है ना, वो भक्तगण दुखी नहीं, कि भक्त मीन सरल है, भगवान जिसको जैसा सेवा करवाते हैं भक्तगण सरलता से वो चीज स्वीकार करते हैं। मान लीजिए और एक अपने एग्जाम्पल के, चलिए हम लोग यहाँ पे 4 है, लक्ष्मी भी है, हम है, लक्ष्मी है, नंदकिशोरी माता जी, प्राण मोहन प्रभु जी, आप है, ठीक है, 5 लोग हैं हम लोग। तभी कृष्णा के बोले गए नंदकिशोरी माता जी आपको जसोदा माँ नहीं बनना है, आपको शांतरस का भक्त बनना है। बोले हाँ प्रभु मैं तो आपकी दासी हूं, आप जो भी चाहेंगे मैं वही करूंगा, ठीक है। प्राण मोहन प्रभु जी को बोलेंगे आपको जसोदा, मतलब आपको वसुदेव का रोल नहीं दिया जाएगा, नंद महाराज का भी नहीं दिया जाएगा, आपको रावण का रोल निभाना पड़ेगा, आपको मेरे साथ फाइटिंग करना है। प्राण मोहन प्रभु जी क्या बोलेंगे, हाँ प्रभु मैं आपकी सेवा के लिए आपका असुर बनने के लिए भी तैयार हूं, सरल भक्त यही कहेगा ना। विभा माता जी को आगे बोले विभा माता जी आप तो बहुत सुंदर दिखती है, आपको तो जसोदा का रोल मिलना चाहिए था, लेकिन चलिए आपको कुब्जा का रोल देते हैं और कुब्जा के रोल के बाद आपको सुंदरी बना दिया जाएगा, 2 मिनट के लिए आप चंदन घिसने कंस के पास ले जाएंगे और बीच में हम कृष्ण बलराम जाएंगे आपको टेढ़ा से सीधा कर देंगे, आप ये 2 मिनट का रोल करने के लिए रेडी है। अगर साक्षात कृष्ण आपको पूछे आप क्या बोलेंगे, नहीं नहीं प्रभु मुझे राधा रानी का रोल चाहिए, क्या आप ऐसा बोलेंगे, या भगवान जैसे चाहते वो करेंगे, भगवान जैसे चाहते वो करेंगे। तो उसी प्रकार ये जो मारीची है, ये जो सनातन है, सनक सनातन सनंदन सनत, ये जितने सारे भागवत में जिन जिन महान भक्तों का उल्लेख है, ये सब जोगमाया के द्वारा निर्धारण किया हुआ सिलेक्टेड पर्सन, इसीलिए उन सब का कोई अपना पर्सनल दुख नहीं, सब कुछ अच्छा। कृष्ण मुझसे ये रोल चाहते मैं वही करूं, कृष्ण मुझे कुब्जा बनाना चाह रहे मैं राधा रानी का रोल क्यों जाऊं करने, ये है फैक्ट, ये है भक्त की सरलता, ठीक है। आपका जिस तरह का क्वेश्चन था आपको आंसर मिल गया, पूरा क्लियर, एकदम क्लियर। चलिए तो लगभग सभी भक्तों का प्रश्न हम हो गया, तो चलिए हम सप्त सर्ग सप्त पाताल का ग्रुप में भेज देंगे, तो आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। यस चलिए अनम्यूट हो जाइए सभी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की
जय श्री कृष्ण भक्त वृंद की जय जय गुरु भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल।